छतरपुर जिला की विश्व पर्यटन नगरी खजुराहो में सातवें खजुराहो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में 5 दिसंबर की शाम को जाने माने फिल्म अभिनेता गोविंदा खजुराहो पहुंचे। गोविंदा फिल्म महोत्सव में प्रमुख आकर्षण का केंद्र रहे। विदित हो खजुराहो फिल्म महोत्सव 5 दिसंबर से 11 दिसंबर के बीच आयोजित किया जाएगा। वही सातवें खजुराहो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आज पहिल वाटिका खजुराहो के मंच पर सुप्रसिद्ध फिल्म अभिनेता गोविंदा के ठुमकों के साथ जोरदार आगाज हुआ। इस अवसर पर गोविंदा ने एक से एक बढ़कर उपस्थित जन समुदाय की मांगों पर डायलॉग और गानों के साथ नृत्य भी किया। फिल्म महोत्सव के शुभारंभ के अवसर पर जोरदार आतिशबाजी की गई और मंच के माध्यम से उपस्थित अतिथियों का शॉल श्रीफल के साथ और पौधा भेंट कर सम्मान किया गया। ये महोत्सव का सातवां वर्ष है तथा आने वाले वर्षों में ये महोत्सव एक नया मुकाम हासिल करेगा। खजुराहो फिल्म महोत्सव में हजारों की भीड़ देखी गई और फिल्म महोत्सव के मंच पर सुपरस्टार गोविंदा ने काफी देर तक मंच के माध्यम से लोगों को हंसाया, डायलॉग सुनाए और फिल्मी गानों पर डांस भी किया, जिस पर दर्शकों का उत्साह देखते ही बनता था। हजारों की तादाद में उपस्थित जन समुदाय ने तालियां बजाकर गोविंदा का स्वागत किया। जी का कि आप के माध्यम से मैंने ये जगह पे वर्षानुवर्ष हो गए, चल मैं ही शायद ऐसा अध्यक्ष जो यहाँ पे नहीं पहुँचा। तो मैं धन्यवाद देता हूँ कि मैं यहाँ पे इन लोगों ने मुझे आमंत्रित किया। यहाँ की जगह, ये धरती से प्रणाम करता हूँ और यहाँ की जो हम लोगों की अपनी विचारधारा है, जो धरोहर है, जो सनातन हमारी अपनी सोच है, उन विचारधाराओं के माध्यम से योग को केवल शारीरिक तत्व से पहचानने की जो लोगों की प्रक्रिया या उनकी सोच है, उससे कई गुना ऊपर हम कई सालों, कई युगों, कई शताब्दियों पहले हम लोगों ने वो जगह देखी। उसका ये मंदिर जो है, ये स्थल है, ये जगह, मैं इस पावन भूमि के लिए प्रणाम करता हूँ और उन विचारधाराओं को रखने वाले वो लोग जो हमारे अपने बुजुर्ग थे या यूँ कह लीजिए कि देवी देवता ही, उन सभी के लिए प्रणाम। मैं धन्यवाद देता हूँ। 2025 में इसके 10 वर्ष पूर्ण होंगे और इस सातवें वर्ष की गठन पे मुझे यहाँ पर आप लोगों ने आमंत्रित किया। जिस वक्त आप किसी क्रिया प्रक्रिया की कल्पना करते हैं तो वो कल्पना आपको उस मकाम पे पहुंचा देती है जहाँ की आपकी अपनी मंशा होती है। मैं धन्यवाद देता हूँ कि इस क्रिया के माध्यम से न कि सिर्फ हम लोग पूरे जग से जुड़ रहे हैं परंतु साथ साथ में आर्ट एंड कल्चर का काम हो रहा है और आर्ट एंड कल्चर में सिर्फ इस काम के साथ साथ लोग पूरी दुनिया के साथ साथ वो बात समझेंगे जो लोग कभी किसी हमारे ही अपने बुजुर्ग ने कहा था कि संसार से भागे फिरते हो भगवान को तुम क्या पाओगे, ये भोग भी एक तपस्या है, तुम त्याग के मारे क्या जानो। परंतु यहाँ वो आए और देखें तो वो ये समझेंगे कि 9 प्रकार के हैं, आपने क्या भोग की परिकल्पना की है या आपकी क्या सोच है ये हमें पता नहीं, परंतु यहाँ की तो बहुत अपनी ही विशालता है। तो मुझे यहाँ पे बुलवाया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। छतरपुर से भरत यादव की ये रिपोर्ट।